नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कुमार ने गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा की दी बधाई। आज लाखों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। पटना समेत भोजपुर व बक्सर में भी दिखी भीड़। 20 नवंबर को शिक्षकों को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र वितरण से पहले एस सिद्धार्थ ने बुलाई बैठक। 31 अधिकारियों को जिला का अधिकारी किया नियुक्त। आज बिरसा मुंडा जयंती पर जम्मूई पहुंचे पीएम मोदी। 6,640 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास। स्मारक सिक्का व डाक टिकट का किया अनावरण। दरभंगा एम्स का डिजाइन आया सामने। दिल्ली आईआईटी के मॉडल पर होगा एम्स का निर्माण। 3 साल में प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य। डेब्यू मैच में बैटिंग से रमनदीप सिंह ने छोड़ा छाप। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में अंतर्राष्ट्रीय करियर की हुई शुरुआत। 6 गेंदों में बनाए 15 रन। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। पटना और अन्य शहरों के घाटों पर सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली है। श्रद्धालु रात भर घाटों पर रुके और जैसे ही सुबह हुई उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। पटना में 1 लाख से ज्यादा लोग गंगा स्नान करने का अनुमान था। बक्सर और भोजपुर जिलों में भी घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिली। गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव का व्यक्तित्व कई आयामों से भरपूर था। वो एक दार्शनिक, योगी, समाज सुधारक, कवि और देशभक्त थे। उन्होंने शांति, दया और मानवता का संदेश दिया और ईश्वर एक है का नारा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमुई में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां उनका ढोल नगाड़े से स्वागत किया गया। साथ ही आदिवासी नृत्य का आयोजन भी देखने को मिला। इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे चुनावी राज्यों को साधने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने 6,640 करोड़ रुपए से अधिक का विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसमें जनजातीय समुदाय के इतिहास और धरोहर को संरक्षित करने के लिए 2 संग्रहालय और अनुसंधान संस्थानों का उद्घाटन भी है। इस दौरान उन्होंने बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण भी किया है। पीएम मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने के लिए 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट और 30 अतिरिक्त यूनिट्स का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी बच्चों के लिए 10 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और 25 अतिरिक्त विद्यालयों के आधार सिला भी रखी है। बिहार सरकार 20 नवंबर को 1.87 लाख सक्षमता पास शिक्षकों को अब बंधक नियुक्ति पत्र वितरित करेगी। इस समारोह की तैयारियों की समीक्षा के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बैठक बुलाई, जिसमें सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे। इसके अलावा 31 अधिकारियों को जिलों का प्रभारी नियुक्त किया गया है। पटना जिले का प्रभारी सहायक निदेशक उर्मिला को बनाया गया है। वहीं शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव को समस्तीपुर, अपर सचिव संजय कुमार को मधुबनी और उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी को गोपालगंज का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। बिहार में मौसम में बदलाव दिखने लगा है और ठंड का एहसास शुरू हो गया है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर जैसे शहरों में रात का तापमान गिरकर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। सुबह और शाम को धुंध की चादर भी देखने को मिल रही। मौसम में इस बदलाव के कारण सर्दी, बुखार और वायरल संक्रमण के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। मुजफ्फरपुर में खासकर सूखी खांसी के मरीज बढ़े हैं। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। भागलपुर में भी पारा गिरने की आशंका है और अगले कुछ दिनों में रातें और ठंडी हो सकती हैं। पटना हाई कोर्ट ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून के नकारात्मक पहलुओं पर चिंता जताई है। जस्टिस पुनेंद्रू सिंह ने कहा है कि इस कानून की कई कमियां सामने आई हैं, जिससे अनाधिकृत शराब और प्रतिबंधित वस्तुओं का व्यापार बढ़ा है। उन्होंने बताया कि शराबबंदी ने तस्करी को बढ़ावा दिया है और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को धोखा देने के नए तरीके विकसित हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस, उत्पाद शुल्क, राज्य कर और परिवहन विभाग के अधिकारी कानून के उल्लंघन में संलिप्त हैं, क्योंकि वे इस कानून से मोटी कमाई करते हैं। इसके अलावा गरीब लोगों पर इस कानून का नकारात्मक असर पड़ा है, क्योंकि वे दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हैं।
13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में एम्स का शिलान्यास किया। ये एम्स दरभंगा के एकमी शोभम बाईपास पर बनेगा और इसके निर्माण में 1700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दरभंगा एम्स का निर्माण दिल्ली आईआईटी के मॉडल पर किया जाएगा और इसे 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इसमें 750 बेड होंगे, साथ ही मेडिकल और नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए एक सेक्शन ब्लॉक और आवासीय कैंपस भी होगा। ये परियोजना 187 एकड़ में फैलेगी और पहले चरण में 2.25 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में भवन का निर्माण होगा। इस एम्स से उत्तर बिहार और पड़ोसी राज्य नेपाल बंगाल के लोगों को भी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। दरभंगा में एम्स की मंजूरी 2020 में मिली थी। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि विवादों में हिंसा को रोकने के लिए पुलिस से भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक मामला दायर करने को कहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने गृह विभाग को पत्र लिखकर थाना स्तर पर प्रभावी कार्रवाई निर्देशित करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि भूमि विवादों का निपटारा अंचल स्तर पर होता है, लेकिन आपराधिक मामलों में कार्रवाई नहीं होने से विवादों का समाधान नहीं हो पाता। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 329 के तहत अवैध रूप से संपत्ति में प्रवेश करने पर प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा धारा 126 के तहत लोक शांति बनाए रखने के लिए कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। पूर्णिया पुलिस ने 35 फर्जी छात्रों को गिरफ्तार किया है जो एसएससी परीक्षा में परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा दे रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि गुलाब बाग स्थित डिजिटल एग्जामिनेशन सेंटर में फर्जी छात्र परीक्षा दे रहे हैं। गिरोह ने बायोमेट्रिक प्रणाली का गलत इस्तेमाल किया और अन्य परीक्षा माफियाओं की मदद से ये सब किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों ने बताया कि वे छात्रों को होटलों में ठहर कर परीक्षा में बैठाते थे। इस मामले में 7 परीक्षा केंद्र कर्मी भी शामिल हैं। पुलिस ने साइबर थाना में मामला दर्ज किया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। हाजीपुर रेल जोन अब फेसबुक और एक्स पर ट्रेन की खाली सीटों का स्टेटस उपलब्ध करवाएगा, जिससे यात्री घर बैठे ही आरक्षण की स्थिति और ट्रेन की समय सारणी जान सकेंगे। दानापुर रेल मंडल से शुरू होने वाली ट्रेनों का करंट स्टेटस फेसबुक पर अपडेट किया जाएगा। इस सुविधा से यात्रियों को ये जानकारी मिल सकेगी कि ट्रेन कब और कहाँ लेट है। साथ ही रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद खाली सीटों की जानकारी भी उपलब्ध होगी। ये सिस्टम खास तौर पर आज के आरक्षण और करंट टिकट के लिए उपयोगी रहेगा, जिससे यात्रियों के यात्रा के दौरान सीटों की स्थिति और ट्रेन के समय में बदलाव के बारे में पहले से पता चल सकेगा। रोहतास के जिसान खान कई प्रमुख टीवी शो में अपनी एक्टिंग से पहचान बनाए हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद जिसान ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और मां संतोषी रामायण, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे कई फेमस टीवी शोज में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। इसके अलावा उन्होंने म्यूजिक वीडियोस में भी अभिनय किया और अपना म्यूजिक लेवल DZ रिकॉर्ड्स शुरू किया। निशान का पहला धारावाहिक DD1 चैनल के लिए था, लेकिन संतोषी माँ में नकारात्मक किरदार से उन्होंने खास पहचान बनाई। उनके पिता की मृत्यु के बाद वे चंडीगढ़ आ गए और फिर मुंबई में प्रोफेशनल अभिनय प्रशिक्षण लिया। अब वे बड़े कलाकारों के साथ नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। पूर्णिया पुलिस ने स्कूल वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है जो तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रही थी। पुलिस ने मरंगा थाना क्षेत्र के उफरैल चौक से पास वैन से 66.540 लीटर विदेशी शराब की बोतलें बरामद की और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। वैन को रोकने पर चालक भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार तस्करों में सूरज कुमार पासवान और अमन कुमार शामिल है। पुलिस ने वैन, शराब, मोबाइल और अन्य सामान भी जब्त कर लिए हैं। तस्करों ने बताया कि शराब शांतिनगर के तस्कर सुनील कुमार यादव की है, जिसे पश्चिम बंगाल से लाकर मिल्की में ले जाया जा रहा था। दोनों आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पटना में गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या बढ़ती ही जा रही है। दीघा नहर का पानी जो बिना उपचार के सीधे गंगा में जा रहा है, उसमें केमिकल और जहरीले पदार्थ मिलकर सफेद झाग बना रहे हैं। इसमें गंगा का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। पिछले साल भी गंगा में सफेद झाग बने थे, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करने पहुंचे हैं, लेकिन प्रदूषण के कारण उनके स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नाली के पानी की जांच शुरू की है, लेकिन अभी तक प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में कोई सफलता नहीं मिली है।
पटना के सेल्टर होम में भोजन की गुणवत्ता खराब पाए जाने के बाद 3 बच्चियों की मौत हो गई। 7 नवंबर को 13 लड़कियों को भोजन के बाद उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, जिससे एक की मौत हो गई और बाकी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बाद में 2 और बच्चियों की जान चली गई। जांच में पाया गया कि भोजन में हानिकारक सामग्री जैसे लेड क्रोमेट और अप्राकृतिक रंग मिले थे। इसके अलावा सेल्टर होम में गंदगी और स्वास्थ्य संबंधी लापरवाहियां भी थी। राज्य सरकार ने अधीक्षिका को निलंबित कर दिया है और आपूर्ति करने वाली एजेंसी के खिलाफ FIR दर्ज की है। सभी जिलों के सेल्टर होम की जांच के आदेश दिए गए हैं। IAS अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED उनके परिजनों और अन्य संदिग्धों से पूछताछ करेगी। इस मामले में संजीव हंस की पत्नी मोना हंस, साला गुरु बालतेज, पिता लक्ष्मण दास और गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव को समन भेजा जाएगा। अब तक इस मामले में 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें संजीव हंस, गुलाब यादव और अन्य सहयोगी शामिल हैं। ईडी ने जेल में बंद 5 आरोपितों को रिमांड पर लेने की योजना बनाई है। इस मामले में कई लोग अवैध लेनदेन और काली कमाई को सफेद करने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी की संभावना है। 27 वर्षीय पंजाब के क्रिकेटर रमनदीप सिंह ने 13 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की। उन्होंने डेब्यू मैच में अपनी बैटिंग से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। पहली ही गेंद पर छक्का मारकर सूर्य कुमार यादव के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। रमनदीप ने 6 गेंदों में 15 रन बनाकर अपनी आक्रामक बैटिंग का लोहा मनवाया है। IPL 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स और भारत ए के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह मिली थी। रमनदीप का घरेलू क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड है, खासकर T20 में उनका स्ट्राइक रेट 171.47 है। डेब्यू के बाद वो गूगल ट्रेंड्स पर चर्चा में रहे, खासकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार में उनके बारे में सर्च किया गया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है दीपक कुमार, ओमकार सिंह, सिंधु कुमार, प्रमीला कुमारी, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, सपना कुमारी, वैद्यनाथ ठाकुर, छोटू राजा, कामेश्वर सिंह, शैलेंद्र कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, मुन्ना शाह, संजीव कुमार, रामबाबू दास, राजेश राम, राकेश मिश्रा, नौशाद रजा, मणिभूषण, रवि मोहन वर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। रात का सवाल है, आपके अनुसार भूमि विवादों को कम करने के लिए और क्या उपाय हो सकते हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।